हाय गाइस, दिस इज नीरज और मैं आज से एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ। ये कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं आज। आप लोगों ने काफ़ी सुन लिया होगा, यहाँ वहाँ न्यूज़ में हर जगह कोरोना वायरस चल रहा है, बट फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं अपना पार्ट करूँगा, प्लीज़ सुनना, एंड तक सुनना, इन चीज़ों को समझना। तो मैं आपके सामने फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कोरोना वायरस के बारे में, जो सबको पता होने चाहिए। डीप साइंस में नहीं जाने वाला, जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाए, अरे यार ये क्या बात कर रहा है। नहीं, मैं सीधा पॉइंट पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे आपको समझ आए कि ये कोरोना वायरस कितनी खतरनाक चीज़ है। पहला पॉइंट, ये जो वायरस है ये आपके शरीर के अंदर जाता है, आपके लंग्स को अटैक करता है, इसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कॉफ ये सब होता है। ये आपके लंग्स को कैसे अटैक करता है, ये जो कोरोना वायरस है ये जब आपके अंदर जाता है, आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं जो अगर आपको फीवर, खांसी, जुकाम कुछ भी होता है तो ये जो सेल्स हैं ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि आपकी बॉडी अच्छी बनी रहे। तो उनका प्रोसेस है आपकी बॉडी को बचाना, आपको वो चीज़ों से बचाना, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उस चीज़ को मारते हैं, वो फ्लू को मारेंगे, फीवर वगैरह, खांसी वगैरह। लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज़ है, ऐसा वायरस है जो आपके अंदर जाता है और जो सेल्स हैं जिनका काम है आपके शरीर को बचाना, कोरोना वायरस उन्हीं सेल्स को कंफ्यूज कर देते हैं, और जिनका काम आपको बचाना है, आपके शरीर को बचाना है, वही सेल्स आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। कोरोना वायरस की टीम में आके कोरोना वायरस के साथ साथ आपके खुद के सेल्स आपको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस डबल, उतने ही चांसेस आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने की ज़्यादा हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने देखा, आपने सुना भी होगा अब तक कि 3 घंटों तक हवा में रहता है वायरस। ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था, 3 घंटों तक वायरस हवा में रहता है और ये कॉपर, कार्डबोर्ड वगैरह पे 1 दिन तक रहता है, और प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील वगैरह में 72 डेज तक रह सकता है वो सर्फेस के ऊपर वायरस। अगर आपको कहीं से वायरस हाथ में लगा है, आपने वो चीज़ पे लगाया है कहीं पे, तो वो वहाँ पे वो सर्फेस पे उतने दिन तक रहेगा। थर्ड पॉइंट ये है, इसको ध्यान से सुनो, 5 से 6 दिन लगते हैं। अगर आपको आज बाहर जाते हैं और आपको कहीं से वायरस, आई होप ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं आपके अंदर वायरस आ जाता है, ठीक है, आपको 5 से 6 दिन तक पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर वायरस आ चुका है। अगर आज आप जाते हैं सामान लेने कहीं ग्रॉसरी स्टोर से, शायद कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है, शायद कोई थोड़ी देर पहले आया होगा जिसको वायरस हो और उसने वहाँ सामान को हाथ लगाया हो, आपने वो सामान को हाथ लगाया, आपके हाथ में वो वायरस आ चुका है, और उसके बाद आपने अपने मुंह पे वो हाथ लगाया हो, आपके अंदर वायरस घुस चुका है। 6 दिन तक आपको पता नहीं चलेगा, आप तो शांति से 5 मिनट में ग्रॉसरी स्टोर जाके घर आ गए, 6 दिन तक आप अपने फैमिली के साथ रहोगे और उनको, उनके ऊपर भी फैलाओगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर आप बाहर घूम रहे हो आप दूसरों पे भी फैलाओगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। 6 दिन बाद पता चलेगा, जब आपको जुकाम, खांसी वगैरह होगी, धीरे धीरे बॉडी पेन होगा, सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं 6 दिन बाद, तब तक आप डिस्ट्रॉय कर चुके होगे सब कुछ अपने लिए। ये कोई गेम नहीं चल रही है, इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, समझो इस बात को। आप इंसान हो, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करो, अभी सही टाइम है, ये असली टेस्ट है। अगर आप अपनी फैमिली को चाहते हो, अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, तो आप घर पे रहोगे और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोलोगे घर पे रहने के लिए। क्या हम लोग इतने गधे इंसान हैं, क्या हम लोग इतनी बुद्धि नष्ट हो गई है हमारी, पैसे पैसा पैसा कर करके, कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। अरे यार, हमारे प्रधानमंत्री
PM Modi has come out and begged us at least twice, thrice. Video में आ आ के भीख मांग रहे हैं कि please घर पे रहो. He's requesting us कि please घर पे रहो, guys. Please घर पे रहो. हमारे cops अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर घूम रहे हैं. टीवी में न्यूज में बताया जा रहा है. वो खुद बोल रहे हैं कि घर पे रहो. उन्होंने कोशिश की प्यार से समझाने की और अभी लाठी बरसा रहे हैं. ये चाहिए लोगों को. मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आता जब किसी को हर्ट होता है. ऐसी चीज़ मैं देख नहीं पाता, लेकिन ये मैं देख के मुझे जो खुशी होती है, क्योंकि आप केयर नहीं कर रहे हो अपने देश के बारे में, आप केयर नहीं कर रहे हो लोगों के बारे में, आप केयर नहीं कर रहे हो इन कॉप्स के बारे में, इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में, इन डॉक्टर्स के बारे में जो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं. कितना टाइम हो गया होगा कितनों को फैमिली को मिले. डॉक्टर्स अपनी जान खतरे में डाल के हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं. पोस्ट डाल रहे हैं जहाँ पे भीख मांग रहे हैं कि प्लीज़ घर से मत निकलो. ये क्या मजाक है? समझ नहीं आ रहा है क्या लोगों को? गधा है तुम्हारा भेजा क्या घुटनों में है क्या? अभी जब टाइम आ चुका है दिखाने का कि आप क्या हो, क्या क्या कर सकते हो, दिखाने को प्रूव करने का कि आप इंडिया की केयर करते हो, आप इंडिया के लोगों की केयर करते हो, फैमिली की केयर करते हो, तो कहाँ गया भाई? अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोगों का? अगर कुछ भी होता है, हमारा गवर्नमेंट छोटी सी भी गलती यहाँ वहाँ करती है तो तुम लोग पागल हो जाते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, केओस क्रिएट कर देते हो, पूरे हिंदुस्तान में पागलपंती क्रिएट कर देते हो. और अभी जब यहाँ पे गवर्नमेंट हमें भीख मांग रही है कि घर पे रहो, तब आपको समझ नहीं आ रहा है. अभी जब सही स्टेप ले रही है तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग वो लोग हैं जो जब इंस्टाग्राम में आता है ना पोस्ट, एक फौजी खड़ा होगा बंदूक के साथ या ऐसा खड़ा होगा. आप लोगों ने नीचे लिख देना है 1 like is equal to 1 salute. इसको सल्यूट दो. ये हमारी इंडिया को बचा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान को बचा रहे हैं. अरे भाई, उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन ये कोरोना वायरस से नहीं बचा पाएंगे मिलिट्री वाले. ये तुम लोग ही हो जो गधों जैसे ये पोस्ट डालते हो, और तुम लोग ही हो जो बाहर भी निकलते हो. गाइस, हमारी मिलिट्री, हमारे गवर्नमेंट ने जितना कर सकते थे किया, लेकिन अभी हमारी धरती माता, दिस मदर नेचर, हमारा टेस्ट ले रही है. अभी ये हमारे हाथ में है. आप अपने इंडिया को बचाना चाहते हो? अरे पूरी दुनिया खतरे में है, इंडिया भी खतरे में है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी जल्दी प्रिकॉशंस लेना शुरू किया है, काफ़ी जल्दी वार्न करना शुरू कर दिया है. लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं. अगर आपको पुलिस वालों की, डॉक्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर की परवाह नहीं है, अरे अपने खानदान की तो परवाह कर लो. कभी आपने सोच के देखा है कि अगर बाय चांस आपके फैमिली के कोई भी एक मेंबर को कोरोना वायरस होता है तो आपकी फैमिली कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है? गई आपकी फैमिली. अरे अगर एक आदमी को आता है तो चांसेस है कि पूरी फैमिली को हो. और ये सजेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि आके उठा के लेके जाना पड़े उनको आपको हॉस्पिटल में, या जिस मेंबर को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला उसको लेके जाएंगे, उसको आइसोलेशन में कहीं रखेंगे 14 दिन के लिए. आप मिल भी नहीं पाओगे उनसे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ भगवान से प्रे करोगे कि वो बच जाए. या तब लेट नहीं हो जाएगा आपको समझने के लिए कि यार काश मैं सुन लेता, काश मैं ये कर लेता, ये क्या कर दिया मैंने? बाद में करने का कोई फायदा नहीं है. ये हम लोगों की यही परेशानी है. हम गधे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि हम ये चीज़ समझते नहीं है. जब बहुत देर हो चुकी होती है ना, तब हम बैठ के रोते हैं, यार काश मैंने सुन लिया होता, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता. बैठ के सोचो कभी, अगर आपका एक भी फैमिली मेंबर को ये होता है, कहीं से आप ही लेके आते हो बाहर जाके और आपके फैमिली को डिस्टर्ब, बैठ के अरे उनकी तरफ देखो, सोचो उनको खांसते हुए, सोचो कि कैसे खांस लेंगे वो, उनको सोचो कि आपकी वजह से वो हॉस्पिटल में पड़े होंगे, ऑक्सीजन की मांग कर रहे होंगे, सांस नहीं ले पा रहे होंगे, शायद ऐसी हालत हो जाए कि वो बोले कि यार मार दो मुझे, मैं नहीं जीना चाहता, इतना तड़प रहा हूँ मैं. आप नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है. ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये इतना खतरनाक है, तो सुनो. और जैसा लोग बोल रहे हैं, जैसा डॉक्टर्स, पुलिस, प्राइम मिनिस्टर, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी बोल रहे हैं, उस चीज़ को सुनो.
और जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। हमारे प्राइम मिनिस्टर आके हमको प्यार से समझा के जा रहे हैं कि गाइस प्लीज अपने आप को घर से बाहर मत निकालो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज मत निकालो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए। लेकिन अगर हम आज ये चीज नहीं समझे तो गवर्नमेंट के पास कोई और साधन नहीं होगा। दे विल नॉट हैव एनी अदर वे, दे हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। 21 डेज हमको दिया है चुपचाप घर पे बैठने का। अगर हम ये चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, मैं ये लिख के देता हूँ, मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, उनको लेना पड़ेगा। वो कुछ बुरे नहीं होंगे, बाद में आप चाहे कुछ भी बोलो, कितनी भी गाली दो अपने गवर्नमेंट को, कुछ भी बोलो, उन्होंने अपना हिंदुस्तान, अरे यार उन्होंने बचानी है, बचाना है इस दुनिया को, वो अपना काम करेंगे एंड आई विल सपोर्ट दैट। मैं पर्सनली घर पे बैठा हूँ बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट माई फैमिली, आई केयर फॉर देम, आई रिस्पेक्ट दिस नेशन, आई रिस्पेक्ट दिस वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट पीपल टू सर्वाइव एंड लिव। अरे छोड़ो बाहर का, छोड़ो अपने फैमिली का तो टेंशन लो। अगर आज हमने इसे सीरियसली नहीं लिया और ओबे नहीं किया, इस गवर्नमेंट की बात नहीं सुनी, पुलिस की बात नहीं सुनी, तो फ्यूचर में हम लोगों को वो लोग कंट्रोल करेंगे और ऐसा कंट्रोल करेंगे जो हमने कभी लाइफ में देखा नहीं होगा। हमारे पास दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपने देखा ही होगा ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ पे चिप बॉडी में घुसती है या बैंड रिस्ट बैंड जा रहे हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, आपके पल्स चेक किए, वॉच वगैरह तो आ चुकी है। कितना टाइम लगेगा गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ देने में लोगों को जिससे आपको लाइफ टाइम हाथ में बांधना पड़े या बॉडी में घुसी हो, जिससे वो आपको ट्रैक कर पाए, आप कहाँ पे हैं, आपके पल्स कैसे चल रही है, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है। अरे ऐसे हो सकता है आज की दुनिया में, ऐसे अगर वो चाहें तो। और अगर हमने नहीं किया, अबे अभी नहीं किया और हमने ये चीज़ को ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो ये सब होगा होगा, ये गारंटी होगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी ऐसे टाइम की, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो आज हो रहा है, और ऐसे टाइम पे अगर वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई तो व्हाट्स द यूज़, कोई यूज़ नहीं। और ये चीज़ होगी, आज नहीं तो कल ये चीज़ होगी। अगर आप अभी नहीं सुधरे, आप गवर्नमेंट के हाथ में खुद को दोगे और गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा करेगी आपके साथ, और आप तब कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत देर हो चुकी होगी। आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हमने ये थोड़े महीने तक अगर ये चीज़ को नहीं समझा, इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म, आपके बच्चों का फ्यूचर ख़त्म, अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कुछ भी, सब ख़त्म, फ्यूचर ख़त्म है, फ्यूचर ख़त्म है। आप सोच के देख सकते हो, आप ये पबजी सर्वाइवल गेम्स खेलते हो, आप ये मूवीज़ देखते होगे, जॉम्बी की मूवीज़ जहाँ पे वायरस फैल रहा है, वो एक दूसरे को काट रहे हैं, यार ये सब एक साइन है। देखो इस मूवीज़ को, देखो ये चीज़ों को देखो और समझो कि कैसी हालत हो सकती है, सब हमारे सामने है। प्लीज़ ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ चीज़ें दिमाग में रखो, पहले तो घर पे रहो, प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करो, आई रिक्वेस्ट यू। हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं अपनी फैमिली की केयर करता हूँ, आप अपनी फैमिली की केयर करो, बाहर वाले को जो करना है करे, जो घूम रहा है घूमने दो, आप अपनी फैमिली की केयर करो, उनको घर पे रखो, बाहर नहीं भेजो। जब तक लिटरली कोई इमरजेंसी नहीं होती, जब तक आपको इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है कि बाहर जाना ही पड़े, मत जाना, ना ही किसी को जाने देना अपने घर से। रिलेटिव्स को या दोस्तों को बताओ कि भाई दिस इज़ अ सीरियस सिचुएशन, डू नॉट गेट आउट। एंड अगर आपके घर पे कोई मेड आती थी, काम वाली आती है, उनको मना करो कि नहीं आना है। अरे वो तो बेचारे दिन का, एक हफ्तों का खाती है, उनको पैसा मिलता होगा, खाती होंगी वो, आपकी मेड, आपकी काम वाली, उनको बोलो कि ये ले,
ये ले 1000 रुपये, ये ले 2000 रुपये और तू घर पे रह, तू अपना खाना पीना दे, 5000 2000 जितना दे सकते हो, कंजूसी मत करना। यही टाइम है ह्यूमैनिटी दिखाने का, यही टाइम है इंसानियत दिखाने का। अपनी मेड को पैसा दो और बोलो तू सेफ रहे, तू घर पे रहे, तू मत निकल। अरे यार इंसानियत दिखाओ आज। और मैंने ये एक और चीज़ देखी है अभी, जहाँ पे कंपनी के जो बॉस हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम तो दे दिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पेपर वर्क्स हैं जिनका प्रिंट आउट लेना है और जो सिर्फ ऑफिस से लिया जाता है। गाइस अगर कोई कंपनी में है या कंपनी के पास है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी के पास वाले किसी को बोलो जाके ले। मैं पहले तो पर्सनली बोलूँगा कि नहीं नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जान से इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। तू बॉस है तो क्या हुआ, थोड़ी इंसानियत दिखा दे, अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करता है तो उनको अपनी सैलरी दो जितना। अगर पूरा उसकी 20,000 सैलरी है तो 12,000 दो, उन्होंने अपना मंथली इनकम, अपनी फैमिली चलानी है, उनको पैसा दो और उनको बोलो यार घर पे रहो, सब ठीक होगा, सब बाहर आएंगे अगर आप अभी कोऑपरेट करोगे। नहीं तो अब जो आप अपने बिजनेस, अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, कुछ नहीं बचने वाला, वो पैसे को खा लेना। अगर आज हम नहीं समझे, जो आपके पास है, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपका पैसा, सब उड़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। हमने इस धरती को बहुत बहुत तकलीफ पहुंचाई है, हमने जो चाहा वो किया और धरती ने रिस्पॉन्स नहीं किया बहुत टाइम तक। लेकिन आज अगर आपने इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की और जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो आपके साथ सिर्फ एक चीज़ हो सकता है, बुरा। मैं सिर्फ, मेरे दिल में काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही थी, मैं शेयर करना चाहता था, मैं अपना पार्ट करना चाहता था। मैं नहीं जानता ये कितने लोगों को इफ़ेक्ट होगा, कितने लोग सीरियसली लेंगे। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था किया मैंने। मैं वीडियो बनाना चाहता था, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता था, अपने थॉट्स शेयर करना चाहता था, मैंने किया। अब ये आप इस वीडियो से क्या लेते हैं कि आपके हाथ में। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ स्टे होम, प्लीज़ स्टे सेफ, एंड ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अगर ये वीडियो को शेयर नहीं करना है तो खुद एक वीडियो बनाएं जिसमें आप लोगों को वार्निंग दे रहे हैं और वो वीडियो को शेयर करें। आप प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करें जितना हो सके, लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है इस दुनिया में। दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ सीरियस, very very serious, and if today we do not do what is required we will be destroyed. ये पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, आपका लिविंग चेंज हो जाएगा, आपका खाने पीने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपके रहने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप जो दोस्तों के साथ बैठ के पब में बैठ के दारू पीते थे, मिल के सुट्टा मारते थे, सब चेंज हो जाएगा। प्लीज़ स्टे होम, आप ये सब रोक सकते हैं होने से, आप बचा सकते हैं इस हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया का पता नहीं कैसे बचेगी। आई डोंट नो व्हाट प्रिकॉशंस दे आर टेकिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर कंट्री एंड यहाँ से लोगों को सिखाते हैं कि भाई यूनिटी होने से, दिमाग लगाने से, रिस्पॉन्सिबल होने से हम बच सकते हैं, हम बचा सकते हैं अपनी कंट्री को, हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। लेट्स बी एन एग्जाम्पल, let's tell the world what we are capable of, let's show the world what we are capable of, let's show that it is possible that we can survive this chaos, we can survive what's happening right now. Thank you guys, please understand the situation. Ghar pe raho, stay safe, stay healthy, take care of your family, give a shit about your family. Ghar pe raho, ghar pe raho, ghar pe raho.